रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली को आपने कई बार मैदान पर लंबी लंबी पारियां खेलते हुए देखा होगा, लेकिन अब विराट कोहली की बड़ी कमजोरी भी सामने आ गई है। इस आईपीएल में विराट कोहली बार बार बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों को अपना विकेट दे बैठते हैं, और वो भी पारी के पहले ओवर में ही। बाएं हाथ का तेज गेंदबाज विराट कोहली के लिए बुरा काल हो गया। सीजन 16 के 32वें मैच में भी राजस्थान के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट की अंदर आती हुई गेंद पर विराट बिना फुटवर्क के खेलने का प्रयास किया और LBW आउट हो गए। इतना ही नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी आकाश सिंह की गेंद पर बिना लाइन में आए खेलने गए और क्लीन बोल्ड हो गए। ऐसा ही नजारा मुंबई के खिलाफ मैच में देखने को मिला, जब पारी के पहले ही ओवर में एक बार फिर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेसन बेरेनजॉफ का शिकार बन गए। इस बार भी जेसन बेरेनजॉफ की गेंद पर डाउन द ट्रैक आकर शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और ईशान किशन ने विकेट के पीछे कैच लपक दिया। इस पारी में विराट कोहली चार गेंदे का सामना कर महज एक रन बना सके। मुंबई के तेज गेंदबाज जेसन बेरेनजॉफ के आगे विराट कोहली हमेशा सहमे सहमे से नजर आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बेरेनजॉफ और विराट 6 बार आमना सामना करते हैं, जिसमें जेसन बेरेनजॉफ ने विराट को 3 बार आउट किया है। मतलब साफ है कि जेसन बेरेनजॉफ के सामने विराट कोहली का बल्ला खामोश हो जाता है। इस आईपीएल में विराट कोहली पावर प्ले के अंदर 4थी बार आउट हो गए, जिसमें 3 बार लेफ्ट आर्म गेंदबाजों ने विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाया। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को इस बीमारी का इलाज जल्दी निकालना होगा, और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि अगले महीने से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में होना है, जहां पर भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया टीम से होना है, जिनके पास जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क जैसे तेज गेंदबाज हैं जो इंग्लिश कंडीशंस में बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। वहां पर भी विराट का सामना बाएं हाथ के तेज गेंदबाज से होना है।